हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश कुमार शाहनी, पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज। क्या ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हमारा था विरल माध्यम और एक हमारा था सघन माध्यम, जिसमें मैं बताया भी था ये भी कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। ठीक, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपका आपतित किरण अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, इन सबका मैंने डिफिनेशन बताया था। इसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ होता है, कह रहा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया मुख्य, जब यहाँ से प्रकाश की किरण चला ठीक, तो ये हमारी किरण कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है, आपतित किरण। तो ये मान के हमारा विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम, और ये हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो आपने देखा कि प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई, क्या गई, झुक गई। तो इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। आइए हमारा कहलाता है आपतन बिंदु, क्या कहलाता है, आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु, ठीक। कह रहा है कि बिंदु पर ये हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब, क्या कहलाता है, अभिलंब। तो कह रहा है कि तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये हमारा कहलाता है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है, तो आप कहेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड लॉ, कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यम यानी विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, यह हमारा कहलाता है आपतन कोण और यह हमारा कहलाता है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है। या तो आप कह सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया साइन, अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है, कोई होता है साइन आई बटे साइन आर, ठीक। तो साइन आई बटे साइन आर, इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। तो आपने जाना कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो आप कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला जो हमारा कहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कह रहा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे होता है साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक, क्या होता है, नियतांक, जिसको हम दर्शाते हैं किससे, यंत्र, ठीक। इसको हम अपवर्तनांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक। इसको हम साइन आई बटे साइन आर क्या होगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, और इसको हम, ये नियतांक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। तो अगर कोई पूछे कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप लिखोगे यन बराबर साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है, इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। क्लियर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि अपवर्तन की क्रिया में
जब अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल तरंगदैर्ध्य तथा तीव्रता क्या होती है, बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो अगर कह दिया जाए कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल बदलती है, तो आप कहोगे कि हाँ प्रकाश की चाल बदलती है। और कह दिया इसकी आवृत्ति बदलती है, तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तरंग दैर्ध्य बदलती है, हाँ बदल जाती है। और इसकी तीव्रता भी क्या होती है, बदल जाती है। इसके बाद कहा कि एक ही पदार्थ का प्रतिनाम, अगर पदार्थ हमारा क्या हो, एक ही पदार्थ का प्रतिनाम विभिन्न रंगों में प्रकाश के लिए क्या होता है, भिन्न होता है। अगर एक ही पदार्थ है तो कह रहा है कि जो प्रतिनाम होगा विभिन्न रंगों के लिए प्रकाश के लिए क्या होगा, भिन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैगनी रंग में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए प्रकाश के लिए क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तरंग है बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो माध्यमों की तुलना करने पर, जब दो माध्यमों की तुलना करेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह हमारा कहलाता है विरल, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह हमारा क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। क्या कहलाएगा, सघन। तो जब दो माध्यमों की तुलना करेंगे जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो हमारा विरल होगा, जिसमें कम होगा वो हमारा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। इसके बाद ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक सर्वत्र क्या होता है, घटता है। यदि जब उसकी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, घटता है। सघन माध्यम में स्थित, यानी सघन ये हमारा क्या है, सघन माध्यम में स्थित वस्तु, ये सघन माध्यम वस्तु यहाँ हमारा क्या है, स्थित है। ठीक, विरल माध्यम से देखने पर, हम कहाँ से देख रहे हैं, विरल माध्यम से, कहाँ से देख रहे हैं, विरल माध्यम से। विरल माध्यम से देखने पर उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम प्रतीत होती है। जो उसकी आभासी गहराई है वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम प्रतीत होती है। तो इसी को लिखा गया है आर एन डी, यानी रेयर, और ये क्या है, आर से होगा रेयर, रेयर का मतलब क्या होगा, विरल, और डी का मतलब हो गया डेंसर, डेंसर का मतलब हो गया सघन। यानी आर एन डी इक्वल टू वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की क्या होती है, आभासी गहराई। क्या होती है, आभासी, यानी जो होता है हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो इतना अपने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है। तो एक बार पुनः मैं रिपीट करना चाहता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। और इसको हम दर्शाते हैं कि से, यल से, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद अपवर्तन की क्रिया में, ये भी मैंने बताया, अपवर्तन के प्रकाश की चाल तरंग है और तीव्रता उसकी क्या होती है, बदल जाती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। जैसे हम एग्जांपल में प्रकाश का अपन जैसे देखते हैं कि हम किसी गिलास में अगर पेंसिल रखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, टूटा हुआ दिखाई देता है। ठीक, तारे हमारे क्या होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं ना, तो ये किसके कारण होता है, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक उसी तरह से देखते हैं कि जब तालाबों में जाते हैं तो उसकी वास्तविक गहराई से कम होता होता है, दिखाई देता है। तो हम इस फार्मूले से सवाल को हम क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू वस्तु की वास्तविक गहराई बटे होता है वस्तु की आभासी गहराई। थैंक यू, पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।